हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो वेलकम टू माय चैनल रितुन्मणि ब्लॉग्स। तो अब है भाई सुबह का टाइम और सुबह के बज चुके हैं भाई 7। और अब मैं बनाऊंगी भाई ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो मैंने सब्जी में बनाया था भाई आलू शिमला मिर्च की सब्जी और साथ में हो जाएगी भी रोटी। और मनर ने कान्हा जी को नहला दिया है भाई, अब वो जाएगा मंदिर। और मैं थोड़ी सी भाई सामान वगैरह उठा दूँ, कपड़े वगैरह हैं, टॉवल वगैरह हैं बच्चों के। ठीक है, ये देखो ये बेड पे बिखरे पड़े हैं। तो मनन जा रहा है भाई मंदिर, अब जल्दी जाओ फटाफट बेटे। डब्बी में शक्कर है उसमें। अब मैं दिखाती हूँ भाई मेरे लड्डू गोपाल। ये देखिए भाई, ये लड्डू गोपाल जी ने ड्रेस डाली है, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। तो मनन ने देखो सुबह सुबह नहला दिया है, कपड़े चेंज कर दिए हैं कान्हा जी के, और ये है मेरा मंदिर। तो जय हो। तो चलते हैं भाई अब किचन में। किचन में मैं आपको दिखाती हूँ, मैं रेडी करके आ रखी हूँ भाई सारा सामान। ये देखो, तो मैंने आटे की लोई भी ले ली है और ये तवा मेरा गर्म हो चुका है। और भाई देखो, फॉइल पेपर यूज़ नहीं करते हैं टिफ़िन में, ये ठीक है, मना किया हुआ है स्कूल वालों ने। और ये मैंने आलू और शिमला मिर्च की सब्जी बना ली है सुबह सुबह, और मनन का दूध निकाल दिया है, गर्म करना रहता है। मनन भी उधर साइकिल अपनी निकाल रहा है, लॉक खोल रहा है। तो चलो फटाफट बनाते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो भाई ब्रेकफास्ट मेरा बन चुका है, अब मैं थोड़ी देर बैठी हूँ क्योंकि भाई सुबह सुबह उठ के ना अजीब सा हो जाता है ना। अजीब सा मतलब फील होता है कि हाँ सुबह सुबह उठ गए, एकदम से मतलब किचन में जाना पड़ता है और जल्दी उठा नहीं जाता भाई, इतनी जल्दी तो नहीं उठा जाता। मैं 6 बजे उठी थी, झूठ नहीं बोल रही। और फिर सब्जी वगैरह बनी है, आटा गूना, और ब्रेकफास्ट तैयार किया, मनन को उठाया, मनन गया मंदिर। तो वह सब थोड़ी सी देर बैठी थी, फिर काम में फिर लगेंगे भाई, क्योंकि जब हस्बैंड मनन को छोड़ने जाएंगे फिर मैं अपना और हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, फिर वो चले जाएंगे, फिर करूँगी घर का काम। तो सब रोज़ यही रूटीन है भाई मेरा, ठीक है। और आप सब बताइएगा, आप सब कैसे क्या कुछ करते हैं हर रोज़, ठीक है, कैसे कैसे ब्रेकफास्ट? क्योंकि मैं तो सिंपल भी अपना जो सब्जी रोटी होती है वही देती हूँ बच्चे को, और फ्रूट में फ्रूट हो गया, कभी अनार दे दिया, कभी अमरूद दे दिया, कभी बनाना दे दिया। तो चलो मनन की वेट हो रही है भाई, फिर उसको देती हूँ ब्रेकफास्ट और फिर जाएगा वो स्कूल, ठीक है। तो मनन डाल रहा है भाई शूज़, ब्रेकफास्ट मनन ने कर लिया। हेलो अब मैं मनी, जूट डाल रही हूँ। जूट, गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। चल जल्दी जल्दी डाल शूज़। चलो भाई फिर इसका टिफिन वगैरह अपने बैग में डालो जल्दी से फटाफट मनन। तो यहाँ भी मनन के टिफिन, ये है फ्रूट, ये है सब्जी, और ये है रोटी, इसमें स्पून दिया हुआ, ये वाटर बॉटल है, और ये मनन का है बैग जो पैक कर लिया इसने। आप बोल क्या किया था? मैंने पता कैसे करा था, ऐसे ना से करके ऐसे। ज्यादा वक्त नहीं लगता फटाफट डाल। चल चलो भाई घर से निकाल रही हूँ मैं इसको, ये कहना तो मानता नहीं है। चल चल जल्दी अपना सामान डालो और चल यहाँ से, चल 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 हरी अब, फोन दे दो, पापा वेट कर रहे हैं, जल्दी जा। पहले ऐसे मामा देखें जो बच्चे को घर निकालने के लिए था। घर निकालने के लिए लिफाफा दे, सब्जी डालेगा उसमें। लिफाफा ये हम गांव से लाए थे। डाल जल्दी यार, इतनी टाइम लगाता ना अभी, ये हर रोज कंटिन्यूसली इसका क्या है मनन तू? टाइम पे तो हो जाता हूँ। चलो जल्दी करो तो सिर्फ 25 मिनट भाई, आधा आधा घंटा तो ये वॉशरूम में बाथरूम में लगा देता, नहाने के बाद बैठा रहता है ऐसे ही। चल बैठा ही रहता, वो मैं साफ करता हूँ। ये लो ये फ्रूट डाल। चलो भाई बस ये जा रहा है मनन, मैं इसको यहाँ से विदा करती हूँ, ये मानता नहीं है मेरे कहना। मेरी शादी हो गई, यस, विदा करके दूसरे लड़की घर हो जाओ। गई, लड़की जाती है। हाँ, जमाना चेंज हो रहा है आजकल। चलो वाटर बॉटल, पापा ने स्टार्ट कर ली बाइक, भूला तो नहीं? कुछ बुक्स डाल ली है सारी, पहले ही बता रही हूँ, डायरी वगैरह। हाँ चलो भैया, किसी दिन ना इसको छोड़ के जाएंगे ना, ये तब पता चलेगा इसको। देखो चलो
चलो भाई अब जा रहा है मनन स्कूल। बाय बेटा, चल 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 जल्दी चल। बाय मनी, जाओ। चलो भाई मनन गया स्कूल और अब मैं बनाती हूँ भाई हस्बैंड और अपना ब्रेकफास्ट। ये देखो सारा खिला रहा सुबह सुबह किचन में, आपको पता ही अभी क्या आता है। तो चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो हाँ जी, काम मेरा सारा हो चुका है भाई, मनन जा चुका है स्कूल और घर का सारा मैं काम मैंने कर लिया है। तो नहाने से पहले भी आज मैं करूँगी अपना स्किन केयर, तो वो भी बहुत ज़रूरी है भाई, मैं बहुत कम करती हूँ। ठीक है, बस नहाए अपना फटाफट क्रीम लगाई, डेली रूटीन की और सब कुछ हो गया। लेकिन भाई आज मैं आपको पूरा वो दिखाऊंगी क्या मैं कर रही हूँ। ठीक है, वैसे तो मेरे को भी नहीं पता मैं क्या करूँगी, लेकिन मेरे पास कुछ है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ठीक है, तो चलते हैं अभी अपने ड्रेसिंग टेबल में और एक बार मैं कर लेती हूँ अभी बैक कैमरा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और भाई घर के कामों में ना हर रोज़ मतलब टाइम ही नहीं मिलता, आप जितनी मर्जी डस्टिंग कर लो, ठीक है। और इस टाइम तो आपको पता है कि इतने आलस वाले दिन है ना भाई, ऐसे होता है कि सो जाओ। और इतनी गर्मी के दिन है, गर्मी तो नहीं है अब बादल हो रखे, लेकिन जो मिट्टी धूल उससे क्या होता है कि सारी डस्टिंग की आती है फेस पर आती है। तो आज मेरा मन है भाई क्या स्किन केयर करें। हाँ चल लगा भाई, मेरे को भी ध्यान नहीं रहता क्योंकि मैं बहुत रेयर करती हूँ। तो हाँ ये मिल गया भाई मेरे को, ठीक है। तो ये देखिए भाई, ये मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ है क्या, पहले भी आपको दिखाया हुआ है, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं भाई उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ यार कि क्या चीज़ है कि जी। तो ये है भाई मामा अर्थ का, ये उल्टा दिख रहा होगा है ना, मामा अर्थ का है ये। और एप्पल सिडार विनेगर, ये देखो मैं बैक कैमरा करके भी दिखाऊंगी। और भाई देख लेते हैं कभी इसकी डेट वगैरह ही जा रखी हो तो एक बार मैं देख लेती हूँ। और इसको अप्लाई करने का है भाई वॉश योर फेस मामा अर्थ, ओके। फेस वॉश इसका यूज़ कर सकते हो आप, और इसको टॉवल से अच्छी तरह साफ़ करके फिर आपने ये जो पैक है अपने फेस पर 15 मिनट्स के लिए लगाना है, और इसको रब करके ठीक है हल्का सा और वॉश ऑफ कर देना। तो पहले इसकी भाई रेट देख लेती हूँ मैं। तो इसको करते हैं अभी अप्लाई, ठीक है। तो देखते जाइएगा मैं कैसे कर रही हूँ, मेरे बहुत कम यूज़ किया अभी बहुत कम, ये तो करना चाहिए वैसे तो। ये देखो ये इस कलर का है भाई, ये देखो दिख रहा है आपको। तो आप इसको फेस पर अपनी बाजू पे जहाँ पर अभी मतलब क्या होता है कि इससे स्किन ना स्मूथ हो जाती है, ठीक है। तो मैं वही अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर और आपको फिर रिज़ल्ट दिखाऊँगी। आई से दूर रखिए भाई, ठीक है, आई से आप दूर रखो। तो ये मैंने लगा लिया है, तो चलो भाई एक बार मैं सारा लगा लेती हूँ, ठीक है, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए भाई, ये मैंने सारा फेस पे लगा लिया है। अब इसको 15 मिनट्स रखूँगी तो ये क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, और सूखने के बाद आप वॉश कर लीजिए। तो स्किन है ना जो, देखो भाई ये तो मैं कहती नहीं कि गोरी हो जाएगी, है ना, ये तो है नहीं, लेकिन जो स्किन का मतलब क्या बोल देते हैं उसको, टेक्सचर तो नहीं बोलेंगे, बोलना नहीं आ रहा भी मेरे को, समझ नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन जो स्किन को मतलब आप टच करके देखेंगे ना वो सॉफ्ट और स्मूथ आपको दिखेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी सॉरी महसूस होगी। तो इसलिए मैंने लगाया क्योंकि धूप में आपको पता ही अभी काम करते हैं टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे आ जाते हैं फिर उनको पढ़ाना, ट्यूशन हो गया तो यही टाइम मिलता है भाई, ठीक है। तो बस मैं लगा लेती हूँ 10-15 मिनट्स और इतना मैं अपना छोटा मोटा काम कुछ देख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ जब वॉश करूँगी, ओके। तो भाई हो चुके हैं 15 मिनट्स और जो मेरा पैक है वो भी सूख चुका है, ये देखो बढ़िया लग रहा है ना इसे।
तो चलो इसको उतारते हैं। और मैंने एक हैंकी ले लिया है कॉटन का, ठीक है, जिससे मतलब अच्छे से रब हो सके। तो चलो वो पानी में डिप कर लिया है मैंने, और उसको निचोड़ के फिर साफ़ करते हैं। तो ये देखिए भाई, मैंने हाफ उतार लिया और आपको फ़र्क दिख रहा होगा। देखो भाई, हाफ उतार लिया मैंने और फेस देखिए कितना ग्लो कर रहा है। और मेरे देखो यहाँ पे ना पिगमेंटेशन हो गई थी, तो जो मैंने क्रीम क्रीम से वो की है ना, ये देखो मेरे को लगे हैं अभी 2 महीने हो गए यूज़ करते, और ये देखो जो पिगमेंटेशन है ना उसमें क्रैक आने शुरू हो गए हैं। देखो ये देखो, सारे मेरा क्रैक आ रखे हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ा है भाई। लेकिन वरना ना मैं तो डर गई थी, मैं कहा ये फेस का पता नहीं क्या होगा, ठीक है, क्योंकि फेस पे आपको पता ही है फर्स्ट अपीयरेंस है फेस, और वही अगर ख़राब हो जाए ना तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। फिर ये देखो मतलब स्किन में ना इतना फ़र्क लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा, इस फेस मास्क को यूज़ करके। ठीक है, कोई भी वो नहीं है, प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है इस वीडियो को, जो मेरे पास था मेरे को अच्छा लगा, मैंने मंगाया था भाई। वैसे तो मैं भी रेगुलर कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है हाउस वाइफ्स को इतना टाइम नहीं मिलता भाई, मिलता है कईयों को भाई, लेकिन मेरे को तो नहीं मिलता। तो ये देखो सारा फेस बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल लग रहा है ना, खुद ही लग रहा है भाई। ये कैमरे में कभी आप सोचो कि फ़िल्टर कर रखा है, कुछ भी फ़िल्टर नहीं है। देखो पहले भी मैंने आपको दिखाया था जब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही थी, और अब ये देखो, और अभी भी ये अच्छी तरह उतरा नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा उतारा है मैंने, क्योंकि अब मैं जाऊँगी नहाने, ठीक है। और बड़ा मतलब ये देखो, मतलब स्किन को ना, मतलब यही चीज़ मैं बताना चाह रही थी आपको। तो चलो भाई, अब मैं नहाऊंगी और वीडियो हो जाएगी थोड़ी बड़ी, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अब तो आपको मेरा फेस केयर कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके, प्लस पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही, प्लीज़ कमेंट करके बताना, और सपोर्ट कीजिए भी, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से भाई राधे राधे।